subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. 10 बजे सोते तुसी इतने पहुंचे हो मेरे नाल साडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे इंचार्ज राजस्थान सबका डिप्टी मुख्यमंत्री सुरजिंदर रंधावा जी बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सबका MLA जिले के प्रधान हर प्रताप सिंह जसनाला साहब के प्रेस के मेरे सारे मित्रों साथियों अज का जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा मतलब है पूरे के रंधावा साहब जिस प्रकार के मुख्यमंत्री साहब ने कल अंसारी साहब नूं लैके इल्जाम लाए ने उन्हां दे बारे तुहानूं विस्तार पूर्वक रंधावा साहब दसंगे लेकिन उस तो पहला मैं चंद गल्लां तुहाडे राही पंजाब की जनता तक पहुंचाना चाहना है। एक तो मैनू लगता कि हुण सही समय आ गया कि असी इस सरकार नूं किसे नां नाल इहनूं कोई नाम दिता जाए। सो जिहड़ा नाम असी सोचिया मशहूरियां वाली सरकार मशहूरियां वाली सरकार अज मशहूरियां वाली सरकार की गल करांगे क्योंकि मशहूरियां वाली सरकार और मशहूरियां वाला मुख्यमंत्री जिस प्रकार सही मुद्दों तो अज पंजाब के मुद्दे की है जिस दिन सरकार बनी जिस सरकार से बदलाव लेके आता कि असी मगरलियां सरकारां नालों वक्खरा कुछ करांगे लेकिन मशहूरियां वाली सरकार ने और मुख्यमंत्री साहब ने हजे तक उन्हां बुनियादी मुद्दों के वल झात भी नहीं मारी। बुनियादी मुद्दा की है जी अज सब तो पंजाब के अंदर चढ़ चढ़ के बोलती सी आम आदमी पार्टी सरकार यही मुख्यमंत्री साहब कि पंजाब दे विच्चों मैं नशा खत्म कर देना है। ये दोनों सरकारां ने हर मोड़ ते हर चौंक ते हर चौराहे ते आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो लैके वड्डे तो वड्डा रोजाना वीडियो च कहंदे सन कि आ नशे दे तस्कर आ नशे दा जिहड़ा माड़ा हाल आ असीं पंजाब दे कोने कोने चों नशा कर देंगे और उस तो बाद कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। अज जे अंकड़े कढ़ लो तो मेरा ख्याल मरलियां सरकारां नालों साडी सरकार च भी असी बहुत नत्थ पाउण दी कोशिश कीती पर असी उन्ने कामयाब नहीं रहे लेकिन हुण वाले ने तां आत्म घाती है। अंकड़े देख लोगे मैं पत्रकारां नूं बेनती करूंगा ये सब तो वड्डा अहम मुद्दा है पंजाब का जिहदे ते कदे पंजाबी प्रेस भी मैनू लगता कि बहुत सारी तवज्जो असी नहीं दे रहे। पिंडां च जाके वेखो शहरां च जाके वेखो अज उवें मावां विरलाप कर रही है उवें दिन दिहाड़े चिट्टे दी भेट चढ़ जांदा कोई ना कोई नौजवान एवरी डे। ये सब तो वड्डा मुद्दा सी लेकिन मशहूरियां वाली सरकार ने अज तक इस ते मशहूरी नहीं कीती कि असी नशा मुकम्मल बंद कर दिता है। अज सब तो वड्डा मुद्दा की है जी लॉ एंड ऑर्डर परसों मोगे जाके आए हैं बारों मुंडा आया आस्ट्रेलिया च उस ज्यूलर भरा दा सारी दुनिया ने तुसी वेख्या दिन दिहाड़े नंगे चिट्टे दिहाड़े मोगे दे भरे बाजार च गोली मार दित्ती गई उस व्यक्ति नूं ते अगे सुन लो की होया। लॉ एंड ऑर्डर ते बहुत असी रौला पाया लेकिन जिते कोई ऐसी घटना हुंदी है ये अंसारी का मुद्दा फड़ लेंगे ये फलाने का मुद्दा फड़ लिया जी अज लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से मूसे वाले दे
कतल तो लैके संदीप नंगल अंबियां दे कतल तो लैके अज तक किसी प्रकार दियां जाना दिन दिहाड़े चिट्टे दिहाड़े चाहे नकोदर घटना व्यापारी दी चाहे तलवंडी भाई भी मैं जाके आया कल परसों दिन दिहाड़े आड़त ते बैठे व्यक्ति नूं 4 बजे गोलियां मारती लेकिन कोई किसी प्रकार की टिप्पा टिप्पणी मशहूरी वाली सरकार ने ते मुख्यमंत्री साहब वालों नहीं आई। ये दो ते तीजा मुद्दा सी किसानी का कि किसान खुशहाल होएगा जो किसान फिर सड़कों पर बैठा है। डाइवर्सीफिकेशन की गल करते कहते असी झोना तो कणक तो असी भी बजाते इन्हां दीआं कुछ बीबियां मंत्री कह रही सी असीं सारियां फसलां ते MSP दे दिआंगे फिर उधरों फिर यू टर्न लिया कि मैनूं तां पता ही नहीं सी MSP में नंदी किवें है। लेकिन मैनूं दसो किसान नूं राहत कहड़ी हुई किसान नूं इह गल कही गई सी असीं डाइवर्सीफिकेशन मूंगी ते तुहानूं MSP ते अज मूंगी दा की हाल है MSP दा की देणी सी सरकार ते बोझ भी वधिया ते 11% केवल लोगों की किसानों की मूंगी खरीदी गई दूजी जी मूंगी सी MSP ते नहीं खरीदी गई त्यों दा त्यों किसानों का जोड़ा मुद्दा सी त्यों दा त्यों है कहते मुआवजा दिया करांगे इन्होंने 1 रुपया मुआवजा जोड़ा किवें दिता मुआवजा जी ये कहते भगवंत मान जी की मैं वीडियो है मेरे को बिना गिरदावरी तो स्पैशल गिरदावरी गुरदूवरी की होंगी है बिना गिरदावरी तो मुआवजा मिलया करूंगा गिरदावरी तो कहड़ा दिन अज तक लोग गिरदावरिया उड़ीकते क्योंकि पटवारी है नहीं सी वाते लोगों ने किसी को मुआवजा नहीं मिलिया हुण वाली फसल का नहीं उदू मगरली फसल का नहीं मिलिया ये बुनियादी जेड़ा मुद्दा सीगा ये मुद्दे अज मुद्दा सीगा नौकरी नहीं कल जेड़े अध्यापक परसों कुटे गए ये कहंदे सी औरत नूं कुटना अध्यापकां नूं कुटना मैं एक अध्यापक का बच्चा है तो साढ़े राज किसी अध्यापक दे लाठीचार्ज नहीं होएगा। सो जिस भयानक तरीके दे नाल मैनूं लगदा कि मगरलियां सरकारां ने इस तरह कटापा नहीं कदे चाढ़िया जिस तरह के हालात इन्होंने हुण मास्टरां दे कीते एक मूँह बोली भैन बनी सी जिहड़ी टंकी ते चढ़ी सी दोनों मुख्यमंत्री गए सी भी तू नीचे उतरिया असीं तैनूं आउंदिया सार नौकरी देंगे ते अज तक उस मूँह पोली भैन वो दोबारा भी टैंकी ते चढ़ी हुण तक 26-29 हज़ार नौकरी का जिहड़ा रौला पाउंदे आ भी असीं दित्ती हालांकि दित्ती नहीं है वो साडे समय दीआं नौकरियां सारे दीआं सारियां चोण जाबता लग गया वो जिन्हें लगे है उन्हां नूं तुसीं पुछ लिओ कि उहदी सारी प्रक्रिया सारा टैसट सारी क्लीयरेंस वो कांग्रेस समय इन्हां वल्लों किसे प्रकार की नौकरी नहीं दित्ती गई। हाँ अगे दे दें वो दसनगे पुलिस नूं जिहड़ियां नौकरियां दित्तियां वो गल सुखजिंदर रंधावा जी दसनगे भी की होया ये बुनियादी जिहड़ियां गल्लां सन। अज हैल्थ आ हैल्थ की गल सुन लो वो जिहड़ा परसों बंदा मरिया ज्यूलर जिहड़ा मैं परसों जाके आया ज्यूलर वो जदों एंबूलेंस आई एंबूलेंस सरकारी है नहीं सी प्राइवेट एंबूलेंस से लुधियाने वाले रुक कर लिया तो प्राइवेट एंबूलेंस का 2 किलोमीटर जाके पहला तेल मुक गया खराब हो गई पूरी घरवाली कहती इस करके मेरा घरवाला मर गया जो एंबूलेंस पहुँच जाती जाके आओ ऑस्ट्रेलिया तो आया वो बंदा उसका बेटा। सो कोई और अज हैल्थ की गल करते हो हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आने समय असी कांग्रेस पार्टी मैं समूह कांग्रेसियों ये गल करूँगा कि असी तमाम सिविल हॉस्पिटल जावांगे थोनू अज चेतावनी दिने कि कृपा करके आपका सब कुछ बंदोबस्त पूरा कर लो। 1.5 साल हो गया गिद्दड़वादा हस्पताल उदाहरण के तौर पर पहले नंबर का पंजाब का हस्पताल सीगा अवार्ड मिले कायाकल्प के तहत 15 लाख रुपया अज कबूतर बोल रहे मेरे गिद्दड़वादे में रोजाना ट्रिब्यून च खबर लग रही है सारे 23 चैनलों पर आई है एक डॉक्टर है 12 डॉक्टरों चो ये हालात है हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जिहड़ियां कहिंदे कि असीं आह खोलतियां महला क्लीनिक आने वाले दिनों च असीं पंजाब पद्धर ते एक मुहिम वढ़ांगे कि सारे असीं हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जाके इस सरकार की पोल खोलांगे। ये बुनियादी मुद्दा लोगों का किसानी लोगों का बुनियादी मुद्दा है स्कूल ऑफ एमिनेंस की गल करते हैं कि होया उन्हां स्कूलों का हजे केवल मशहूरी है एक भी स्कूल जाके उन्होंने स्कूलों की लिस्ट लैके आने वाले समय स्कूलों जावे
कि किस प्रकार की कोई तरक्की स्कूलों के हुण तक कल नूं हो जाए मैनू पता नहीं। पहले नंबर पर साढ़े स्कूल आए सन पंजाब के, उदों इन्होंने कहा सिरा कांग्रेस सरकार नूं जाएगा, ये बंद करता कहने ये तो गलत सर्वे है। स्टिल टूडे ना तो कोई हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मैडिकल कॉलेज नूं इट लगी है ते ना ही किसी स्कूल नूं अज तक स्टिल टूडे किसी प्रकार की अज तक कोई इट लगी है। ये बुनियादी मुद्दे हैं। भगवंत मान जी कहते वड्डा तोहफा वड्डी अनाउंसमेंट, मैं आने वाले समय के थर्मल प्लांट खरीदने जा रहा, यह तो मुद्दा ही नहीं है। यह कड़ी प्राप्ति है थर्मल प्लांट खरीदना सरकार के पैसे ना? थर्मल प्लांट अगला कहूगा मेरी बिडिंग इन्नी है, उरे 2 करोड़ लगे होंगे तो कहूगा 4 करोड़ रुपया दो तो थर्मल ले लो, थर्मल ले लेंगे। प्राप्ति फिर सी तुसी चीख चीख के कहने सी पीपीए कैंसल करांगे, पीपीए कैंसल करांगे, 3-4 गुना महंगी बिजली तुसी भी 1.5 साल दे खरीद रहे हो जनाब। जेड़ा सरकार ते इल्जाम आ थोड़े अज दे फाइनेंस मिनिस्टर लाया करते सी खड़े होके तो तुसी बाहर लाउंदे सी। सवाद फिर आउंदा है करांगे बिजली ते गल भी आने वाले समय च कि थर्मल प्लांट नहीं लैके तुसी कहंदे पीपीए खरीदिया ते जेड़ी इन्होंने बिजली महंगी बेची इन्हां थर्मलां ने उरे पैसों के नाल असी अज इन्हां दा थर्मल जिहड़ा प्लांट सीगा सरकार दा जब्त कर लिया क्योंकि इन्होंने सरकार ने जब्त कर लिया क्योंकि इन्होंने सरकार नूं चूना लाया। एवरी डे यू टॉक अबाउट द करप्शन यार, फलाने ते फलानी बिड हुई, फलाना टेंडर होया, टेंडर की प्रक्रिया तो फिर टेंडर ते इल्जाम तो किसी के भी ला दो जिहड़े तुसी टेंडर कर रहे हो। हर चीज़ नूं तुसी क्या सारी आला पैसा भाई साहब जिहड़ा हैलीकॉप्टर लेके ऑर्डिनेंस के आड़े विच पूरी देश का दौरा लाता 50 लाख तो एक दिन च ठोकदे हो, पूरा हिसाब किने लेना है? 900 करोड़ रुपया तुसी एडवरटाइजमेंट ते रखिया, मशहूरी इस करके कह रहे मशहूरियां वाली सरकार 2 करोड़ रुपया डेली पब्लिक का पैसा, यू आर वेस्टिंग लाइक एनीथिंग। थानू कोई पूछने वाला ही नहीं है, राजा बाबू ही नहीं है, जो मर्जी करी जाओ ठीक है। तुसी सवाल चकते हो तो तुसी 2 करोड़ रुपया रोज मशहूरियां ते छत्तीसगढ़ जा रहे हैं जी, अज ऑर्डिनेंस की गल कर रहे हैं ते जो जी आ बीजेपी के खिलाफ गल करते हो तो बीजेपी का हर चीज़ का समर्थन तुसी पहला करते हो। तुसी आ जिहड़ा हुण बिल आया सी यूनिफॉर्म सिविल कोड ते सब तो पहला वो जिहड़ा राज्यसभा मैंबर सी उन्हें कहता असी समर्थन करते हैं, सिटीजन बिल आया सी तुसी क्या असी समर्थन करते हैं, धारा 370 का बिल आया तुसी क्या असी समर्थन करते हो, ते ऊं तुसी कहने हो वी आर अगेंस्ट द बीजेपी, ता ही असी तुसी कहने हो कि डबल फेस हो, ता ही असी कहने हो तुसी हर चीज़ दे बीजेपी का समर्थन कर दे हो। मुख्यमंत्री साहब इत्थे प्रधानमंत्री आउंदे असोले गाउंदे है, गवर्नर मुख्यमंत्री साहब की सुलह देश का गृहमंत्री करवाउंदा है। और जो पिछली वारी पै गया सी रौला कि नहीं सदना हुण विधानसभा का सैशन तो पहला दसो कित्थे है जिहड़ा लॉटस, तुसी लॉटस एक क्या सी ऑपरेशन लॉटस यही सी रंधावा साहब, वेयर इज दैट ऑपरेशन लॉटस, तो बाद वेयर इज दैट इंक्वायरी, ऑपरेशन लॉटस का की होया FIR? क्योंकि असी रौला पाया भी ना कोई FIR है ना कोई टेलीफोन आया, तुसी एक FIR कटाती फेक 0 नंबर FIR विदाउट नेमिंग एनीबडी, तुसी अमित शाह का ना लिया सी थोड़े बंदे ने उंगराल ने उहदा नाम क्यों नहीं लिखिया, चलो नहीं लिखा देश का गृहमंत्री है, हुण लॉटस का ऑपरेशन लॉटस का की होया, वेयर इज दैट ऑपरेशन लॉटस, खत्म सनसनी। इस करके मैं क्या मशहूरियां वाली सरकार, तुसी क्या सी फड़ ले करप्ट लो, वो एक सब तो पहला भाई वो फड़िया सिंगला साहब जी फड़े, अज सिंगला साहब जी तुहाडे नाल कैबिनेट दी मीटिंग तो बाद नाल बैंदे, व्हाट डज दैट मीन? एक फड़ना मकसद है कि उन्हूं पार्टी चो दर किनारे करना, मतलब
मैं कहता कि करप्ट है, वो तो बाद करप्ट बंदा ही मेरे नाल 24 घंटे मेरी मीटिंगां च बैठेगा की होया मानसा च। यू सेड शरारी रिमूव्ड बिकॉज ऑफ इल्जाम, व्हाट हैपेंड टू मिस्टर शरारी? वो मुंडा जेड़ा एक होर एमएलए फड़िया बठिंडा दिहाती का, वट इज दैट? मेरा मतलब जेड़ा चंगा मानू के सो किसे ते होर इल्जाम लात लगे होंगे, अज जे किसी का घर होर किसी का होंगे तो परचा होंगे पहला उन्हें दसो मैनू ये गल। ए बुनियादी मुद्दे हैगे ने साहब जिन्हां ते, एंड देर आर सो मेनी ऑफिसर्स, तुसी इल्जाम लाए असी तां लाए नहीं, तुसी क्या तहसीलदारां दी लिस्ट है, करप्ट लोड है, अखबारां च आया, वेयर इज दैट मुद्दा? यू सेट अबाउट द तहसीलदार, असी तां नहीं क्या, तुसी नीलिमा ते एफआईआर की आई है ऑफिसर ते, असी तां नहीं क्या? You have done the FIR, now you have stopped everything. Why? Why? Because there is a pressure from the bureaucrats. So, कहन दा मतलब है मशहूरियां वाली सरकार, whenever मशहूरियां वाली सरकार जो चाहती है वो मशहूरियां वाली सरकार आपके मन नाल जो मर्जी कर सकते, चन्नी ते इल्जाम लाता जी हुण गोवा नूं लै गए, दे दिओ मुंडे नूं नौकरी, जिहड़े मुंडे नूं नौकरी ना देण ते चन्नी साहब ने पैसे मंगे सी उहनूं दे दिओ। Now who is stopping you भाई? उहनूं गस ऑफिसर दी जे ओह वाकई प्लेयर हैगा मुंडा, फायदा की होया पंजाब दी जनता नूं? की फायदा होया मशहूरी करती जां मुंडे नूं की फायदा होया? ना तां मुंडे नूं नौकरी मिली। यू हैव डन अ मशहूरी, दिओ मुंडे नूं नौकरी, लाओ डीएसपी मुंडे नूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नौकरी ना देन दा 2 करोड़ रुपए का इल्जाम लाता हूँ गोवा की जमीन, ये कहने का मतलब हजारा ऐसे है जो मर्जी कह दो, वट एवर यू फील लाइक, तुम कह दो भी आ चीज से आ है नहीं, आरी प्रक्रिया फॉलो की है। एंड वाई ओनली द पॉलिटिशियन प्रक्रिया च, वाई नॉट एवरीबडी दोज हू आर ऑन द फाइल? बिकॉज वो छोटी कड़ी है, इस करके जो मर्जी कर दे। सो ये बुनियादी मुद्दे है, आने वाले दिनों च कांग्रेस पार्टी इन्होंने बुनियादी मुद्दों पर, तुसी राशन कार्ड कटते गरीबों के सड़कों पर तुरे फिरते हैं यार, सड़कों पर तुरे फिरते, रेवीन्यू की गल करते हो, तुसी वैट बढ़ाता पेट्रोल ते डीजल ते, तुसी पेंशनर्स जिहड़े लोग गए हैं 200 रुपया उन्होंने तो कट्टन लग पे, 200 रुपया कल रेवीन्यू कहेंगे, पेंशनर्स बेचारे जो गए रिटायर्ड होए उन्हें तो 200 रुपया इन्होंने कट लाता, वैट लाता, बिजली महंगी की। सो ये पंजाब के बुनियादी मुद्दे हैं, तो असी इन्होंने आने वाले दिनों के बहुत साल हो गया, 1.5 साल हो गया मशहूरियां वाली सरकार को, असी बड़ा समा देता इन्हां मुद्दे है, जनता पंजाब की यह सुल चाहिए, फलाने फड़ लिया, फलाने फड़ लिया, और पंजाब की जनता का मकसद पूरा नहीं हो रहा, पंजाब मेरा उत्थे दा उत्थे है, पंजाब मेरा कर्जे दा है, पंजाब च सुसाइड हो रहे हैं, पंजाब च ड्रग्स ना लोग मर रहे हैं, पंजाब दे विच गोलियां ना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई कोई टिप्पणी नहीं, DGP साहब ने कहा ड्रैस होर सी साडे विच होर सी, अगले दिन उस ड्रैस ते उस भेस च आ गई, कोई टिप्पणी नहीं है, वेरी स्मार्ट। अज उन्होंने आख्या इधर फस गए तो रंधावा साहब वाली गल चला लो, साढ़े नहीं हो तो भाई जिन्हों मर्जी पैसे ले ला, तो उन्होंने समा दसेगा, थोड़े कहने थोड़ी होना कुछ। सो ये साढ़े बेसिकली जेडे इशू है, ये मशहूरियां वाली सरकार जी है ये उन्होंने तो डाइवर्जन करती हुई, डाइवर्ट मुद्दे करके तो मशहूरी बनाती है, अल्टीमेटली दिस इज द मेन मोटिव। और मैं हूँ तो अज तो यह कहूँगा, हमेशा हरेक कांग्रेस संबोधन करन तो पहला इस मशहूरियां वाली सरकार नूं इहदे नां नाल बुलाया जाए, मशहूरियां वाली सरकार। तो हुण मैं बेनती करांगा
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਨਸਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ पटीशनर नहीं सीगा रिस्पोंडेंट सीगा सुप्रीम कोर्ट जो सरकार गई उन्होंने रिस्पोंडेंट जेल डिपार्टमेंट ने बनाया और 8/1/2021 एडवोकेट जनरल ने डिपार्टमेंट में लिखा कि तुहानू उत्थे रिस्पोंडेंट बनाया गया तो तुहानू उत्थे पेश होना पेगा फिर 30/1/2021 चीफ मिनिस्टर एडवोकेट जनरल ने रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर नू कि जिहड़ी दशांत दवे की अपॉइंटमेंट आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਦਵੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਨੈਕਚਰ A2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਲਿਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3,30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਸ ਵਰਤਦੀ ਆ 17,60,000 ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 7/1/2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ AG ਪੰਜਾਬ ACS ਹੋਮ ACS ਫਾਈਨਾਂਸ ACS ਜੇਲ ਐਂਡ ADGP ਜੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਦੀ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ AG ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 27/11/2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਟੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਉ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਉ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਅਮੰਗ ਜਿੰਦਲ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨੇ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ SSP ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ SSP ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
जेडे कहते जी इन्होंने बिल दे दिए इन्ह को रिकवर कर जोड़ा अज तक पेमेंट नहीं हुई अज तक पेमेंट नहीं हुई साड़ी गवर्नमेंट ने मैं जिस वे बनया मैं भी यदि पेमेंट नहीं की मैं वापस भेज दी फाइल जिस चीज़ की पेमेंट नहीं हुई जिस तरीक ने जिस आदमी के पैसे उन्होंने अज तक गए नहीं तो रिकवरी किस गल की जी तो जे मैं ही चीफ मिनिस्टर पूछना चाहना कि विक्रम जीठी का केस इन्हें हुण वी गिरी एडवोकेट को अपॉइंट किया अजय चंडीगढ़ के इन्हों का अपना एडवोकेट भी बैठा एडवोकेट जनरल बैठा वो नहीं पेश हो रहा वी गिरी किया तो ये डिपार्टमेंट ने देखना कि तुम ए जी या ए जी ने देखना ये मैं इस करके तुम्हें गल् दसियाँ आज सारिया चीज़ा नाल लाइया कि जेडे जेडे बिल ने किन्नी फाइल कितने घूमती रही इस करके ये चीफ मिनिस्टर साहब न मैं अगला सवाल पूछना चाहना प्रधान जी ने पूछ लिया कि लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू जेल च हुई मेरे वाले तो कहते हैं कि जेडे जेल के केस ने जेल मिनिस्टर वेखे तो ये वेले की है जी और वे जो मेरे तो पहला सीगा तो भगवंत मान तो हरजोत बैंस उन्हें कहा कि अभी परचा भी करा परचा भी नहीं साल हो गया जोड़ा ये सिद्धू मूसेवाले का मेन अक्यूज सीगा बिश्नोई इंटरव्यू जी चल रही है अज अवेलेबल है यूट्यूब पर तो कोई मैं दसो थानू ही पता कि कोई अज सरकार के अगेंस्ट बोलता जिन्हें आप बोल रहे हैं ये थोड़ी देर बाद सब कुछ ही उठ जाना जाना सब यूट्यूब तो सब कुछ डाल देना कि बोल रहे हैं तो वो जी सिद्धू यदि लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू अज भी दोनों इंटरव्यू यूट्यूब पर चल रही उन्होंने इन्होंने रिमूव किया बाद भगवंत मान दे को जगा इन्होंने भगवंत मान ने एक एस आई टी बनाई कि ये जी लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई है ये तो असं एस आई टी बनाने तो 15 दिन यदि रिपोर्ट आ जाएगी यार मुलजम भी इन्हों को इंटरव्यू लैन वाला भी रिपोर्टर जोड़ा पंजाब का वह भी इतने अज तक दोनों को नहीं की इनकुआरी नहीं की 3 महीने तो बाद समा हो गया दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की गल कर लीए लॉ एंड ऑर्डर जिमें इन्होंने दस दिता बटाले दे विच 2 दिन लगातार गोली चलती रही है उत्थे जख्मी हो गए कोल बच गए उतों ही जिहड़ी स्थान तो गोली चली 1 घंटे बाद उतों ही कार फिर उतों खोह के लै गए ये पुलिस का माड़ा हाल है अज पंजाब 16 DGP ने 13 पंजाब च ने 3 साढ़े डेपुटेशन च ने और असी अपना परमानेंट अज तक DGP नहीं दे सके ये सरकार की नहीं तो पता की है CM साहब फोकस करो ये स्टेट के उत्ते स्टेज नहीं ये स्टेट आ जुमलीबाजी नहीं होनी ये भंड मैं सॉरी कहना पै रहा यह भंडा का रोल नहीं गा सरकार चला दा रोल आ तगड़े हो के सरकार वाल वेखो तो ये बाद गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू दी तो ये CM साहब कहते हैं कि मैं उन्होंने असी फड़ लिया इनू वापस लैके आवेंगे कितने गया उदी कल परसों में रखने इंटरव्यू 2-3 दिन पहला इंटरव्यू आई है ना कि मैं 2-2.5 करोड़ रुपया पंजाब दे विचों एक्सटॉर्शन लेना वसूली करदा ये CM हुण जवाब देवे दूसरी इन्होंने कहा कि पंजाब की जिहड़ी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है मान साहब कभी प्रेस के सामने जिमें असी बैठे ही तो आ करो इंटरव्यू ये तो अंदरों बैठे ही बोल जाते तो उतों ही ये कर देंगे ने मैं इन्हों देना थोड़े तो राही इन्हों जे PRO ने उन्होंने मैं एक बेनती करदा कि भरा यदा ना जरा ट्विटर तो ट्विटर ऐप और रिमूव कर दो ये पता नहीं पी के ट्वीट कुछ होर कर दिता तो जो उत्तर दी उदो होर कर दिता आंदोलन टाइम मेरे को कटिंग आदि लिखा CM विल रिकवर 55 लाख स्पेंट ऑन अंसारी फ्रॉम कैप्टन रंधावा अगे जाके पता की लिखता लेटर इन ए स्टेटमेंट मान सैड द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट पे रुपीज 55 लाख स्पेंट ऑन द स्टे ऑफ डिमांड क्रिमिनल मुख्तार अंसारी इन जेल यदि मैं समझ नहीं लगी सवेरे कहता मैं इन्हों को रिकवर कराँगा तो बाद च कहता कि मैं उन्होंने पैसे नहीं देवगा फिर रिकवरी किस चीज़ की यदा मतलब एक तो ट्विटर करता उड गया
ਇਹਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਮ ਆ ਇਹ ਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਿਸਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਾਤ ਬੋਲਦੀ ਆ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਮੰਗੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫਿਸਰ ਦੀ DSP ਤੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਐਲੀਜੀਬਲ ਛੱਡੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ